सिंदरी उपखंड के भूखा भगत सिंह में चल रही 68वीं जिला स्तरीय खो खो 17 और 19 छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हुआ। खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में जिले भर की टीमों ने भाग लिया। महंत निर्मल दास के सानिध्य में आयोजित हुए समापन समारोह में ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सतपाल सिंह बटेसर और पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सिंदरी से कैलाशपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। सिंदरी उपखंड से भूखा भगत सिंह में चल रही 68वीं जिला स्तरीय खो खो 17 व 19 वर्ष छात्रा वर्ग खेल प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को समारोह पूर्वक हुआ। खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में जिले भर की टीमों ने भाग लिया। महंत निर्मल दास के सानिध्य में आयोजित हुए समापन समारोह में ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सतपाल सिंह बटेसर व पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। इसी दौरान अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने जिले भर से आए हुए खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी और उनको अपने खेल में और बेहतर सुधार करने के अपने जिले के साथ साथ देश का नाम रोशन करने की बात कही। चौधरी ने बताया कि गांव में बहुत सारी खेल की प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, ऐसे आयोजनों से हमें कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि वार्ड में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने विद्यालय में सहयोग करने वाले भामाशाहों एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में सहयोग करने वाले सभी ग्रामीणों का आभार जताया। संस्था के प्रधानाचार्य गंगाराम ने बताया कि विजेता छात्र छात्राओं की टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। भूखा भगत सिंह 17 वर्ष छात्रा 68वीं जिला स्तरीय 17 वर्ष में द्वितीय स्थान समारोह में प्रतियोगिता में सहयोग करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पायला प्रधान चुन्नीलाल माचरा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता चौधरी, सरपंच संघ के अध्यक्ष पूनमाराम जानी, सरपंच सुराराम नैन, जसराम लेगा, पूर्व उप प्रधान देदाराम कलवी, हरिराम माचरा, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सुरताराम मेघवाल, मोहम्मद मेनू, वक्ताराम कड़वासरा, कानाराम थोरी, उमराराम पलियाल और बाबूराम कोठलिया, पेमाराम कड़वासरा, टेकमाराम लोल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व खिलाड़ी मौजूद रहे।